नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है क्रिस्टल्स को लेके, जब भी आप लोग कुछ पूछते हैं कि क्या हमें अपने क्रिस्टल्स को क्रिमेशन ग्राउंड में यानी कि शमशान घाट में पहन के जाना चाहिए, या कभी किसी की डेथ में अगर हमें जाना पड़ जाए तो क्या हमें वहाँ पर क्रिस्टल्स को पहन के जाना चाहिए। तो मैं आज ये वीडियो इसी के लिए बना रही हूँ कि क्रिस्टल्स जो होते हैं ना, वो हर तरीके की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है ना। नेगेटिव एनर्जी खास तौर पे एब्जॉर्ब करते हैं और हमें पॉजिटिव रखते हैं। तो जब भी हम किसी के भी क्रिमेशन में या फिर ऐसी किसी जगह पे जाते हैं तो हमें अवॉइड करना चाहिए कोई भी जेमस्टोन जो हमने पहना हुआ है, या अगर हमने क्रिस्टल्स पहने हुए हैं उनको वहाँ पहन के जाना। अगर आप गलती से पहन के चले भी गए हैं तो आपको इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना है कि जब भी आप वापिस आएंगे तो आपको पूरी तरह से उनका शुद्धिकरण करके, जैसे जेमस्टोन अगर है तो उनका पूरी तरीके से शुद्धिकरण करके उनको पहनना है आपको। जिस भी मंत्र का आप जाप करते हैं, जिस भी भगवान की आप पूजा करते हैं, या जो भी जेमस्टोन आपने पहना हुआ है उस ग्रह से रिलेटेड, या उस ग्रह से जो भी हमारे देव रिलेटेड हैं उनका मंत्र उच्चारण करके, शुद्धिकरण करके ही आपको उसमें धारण करना है। और जब हम क्रिस्टल्स की बात करते हैं तो क्रिस्टल को आपको जो जो हमने क्लेंजिंग के तरीके बताए हैं, जैसे वाटर में वॉश करना, या फिर सनलाइट दिखाना, या फिर फुल मून में रखना, वो रखने के बाद वापस से अपने हाथ में लेके उसे एनर्जाइज करके, अगर आप कोई मंत्र पढ़ना चाहते हैं तो मंत्र भी पढ़ सकते हैं, पूजा के दौरान भी उसे आप एनर्जाइज कर सकते हैं। अदरवाइज सिंपली अपने हाथ में लेके एक डिवाइन लाइट आप फील करेंगे कि उस क्रिस्टल पे पड़ रही है, और उसके बाद आप जो भी उस क्रिस्टल से जाते हैं वो पॉजिटिव अफर्मेशंस देके आप वापस से उसे धारण कर लेंगे। और इस बात का खासा ध्यान रखिए कि नेक्स्ट टाइम कभी भी आपको कहीं कहीं ऐसे जाना पड़ता है तो आप अपने क्रिस्टल्स को या जेमस्टोन को वहाँ पर पहन के नहीं जाएंगे, जब भी आप ऐसे किसी भी जगह पे जा रहे हैं। क्रिस्टल का देखिए कुछ रखरखाव तो हमें करना ही पड़ता है जब भी हम उन्हें पहनते हैं, और जितना आप उनका ध्यान रखेंगे, उनकी केयर करेंगे, उनको रेगुलरली एनर्जाइज करते रहेंगे, क्लेंस करते रहेंगे, उतना ही क्रिस्टल बहुत ही अच्छा इफेक्ट आपको देंगे। तो इसी तरीके से कोई भी क्वेरी आपके मन में आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहाँ पर जो भी क्वेरीज होती है मैं मैक्सिमम क्वेरी का जवाब देने की कोशिश करती हूँ। कई बार कुछ कुछ क्वेरीज हैं जो मतलब मुझसे मिस हो जाती हैं, आई डोंट नो वाई, वो मुझे देर से कमेंट्स नज़र आते हैं काफ़ी, कई बार एक महीने बाद, कई बार छः महीने बाद भी नज़र आते हैं, पर मैं कोशिश करती हूँ हर क्वेरी का उस पर रिप्लाई करूँ। तो आप कुछ भी पूछ सकते हैं, वीडियो में जो भी मैंने बताया उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए। नमस्कार।